शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्त लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो एमएमएस भेजते रहते हैं। जरा देखो तो किसका है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या बताओगी कुछ? क्या हुआ क्या? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। अरे वो मैं बताता हूँ मैं तुम्हें कि वो ये कौन सी नई मुसीबत है? साला आसमान से गिरा खजूर में अटका। साले की मैं छोड़ूंगा नहीं बस को। आ गया साले। कैसे हो मैनेजर साहब? बहुत देर कर दी फोन करने में। अबे तू समझता क्या है अपने आप को? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आके मेरा ही एमएमएस निकालने की? अपना साथ यहीं तक था, ऊपर मत मिलना। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अबे जा बे, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ये धमकी तू किसी और को जाके देना। तूने मेरे साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया। साले एक बार मुझे मिल तो सही, फिर बताता हूं। सर ये तो अब बाद में पता चलेगा, जब मैं ये एमएमएस पूरे ऑफिस में दिखाऊंगा और आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। तेरी गलती की वजह से तेरी नौकरी गई, इसके लिए तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है सर, लड़की छेड़ने के चक्कर में आपने मुझे नौकरी से निकाला था और अब मैं वही सेम करूंगा आपके साथ। ये धमकी तू मुझे मत दे, समझा? मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डरूं? ये तो आप और मैं जानते हैं ना सर, एमएमएस तो कुछ और ही कहता है। लोग तो यही कहेंगे ना, जीजा ने साली की ले ली। जबान संभाल के बात कर साले। ये सब छोड़ और सीधे पॉइंट पे आ। मुझे ये बता कि इस रिकॉर्डिंग के बदले तू मुझे दे क्या सकता है? अभी मैं पुलिस को बताता हूँ, वही देंगे जो तुझे देना है। सोच लो सर, पुलिस बुलाने से कुछ नहीं होने वाला। मुंह दिखाने के लायक रहेंगी ये सब कुछ देखने के बाद। सोच में पड़ गए सर जी। ठीक है, क्या चाहिए तुझे एमएमएस के बदले? बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे मेरी नौकरी लौटा दो और तुम्हें तुम्हारी साली मुबारक। यार मुझे क्या लेना देना? ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ तुझे एक और चांस देने की, गुजारिश करूंगा उनसे, लेकिन वो एमएमएस क्लिप मुझे अभी चाहिए। ये हुई ना बात। अब ऐसा कर, अपने फार्म हाउस के बाजू में जो होटल है ना, शाम को प्रॉपर 7 बजे आके मुझे वहां मिल और अकेले आना तुम। Got it? ठीक है, चल अभी फोन रख और हल्का हो। होटल रिजॉयस शाम 7 बजे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब बुरा वक्त आता है ना, तब ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, समझा?
अच्छा ऐसा क्या? ले बियर पी। बाहर में गया तेरा बियर, पहले वो एमएमएस क्लिप मुझे दे। वो तो मैं तुझे दे ही दूंगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि उसके बदले में तू मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवाएगा? वो तो मुझ पर छोड़ दे, लेकिन पहले मुझे ये बता कि वो एमएमएस क्लिप तूने बनाया कैसे? That's like my boy. तुझे याद है तेरी पार्टी के दिन सबके लिए बियर कौन लाया था? Hi sir. Huh? Take it. Oh. Thanks. Hi. Hi. Take. Cheers. Cheers. Enjoy. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ओके। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आई थिंक वो ऊपर रूम में गई है। आई थिंक काफी देर हो गई है, मुझे देखना चाहिए। मैं देख कर आता हूँ, यू ऑल एंजॉय। महक कहाँ हो तुम? महक क्या हुआ तुम्हें? उठो, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। अब ठीक लग रहा है? हाँ। चलो मैं तुम्हें नीचे लेकर चलता हूँ। नहीं आप जाओ, मैं आती हूँ। चलो तुम मेरे साथ अभी चलो, चलो तुम चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो। साले छोड़, अगर एमएमएस तूने किसी को दिखाया ना तो कोई देखेगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें फंसाने की? तूने क्या सोचा? तू सोचेगा और ये फंस जाएंगे? वो बात है। तुमने मेरे बहन की ड्रिंक में नशे की गोली क्यों मिलाई?
और क्यों उसका MMS बनाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, चल ससुराल, चल। Yes.